नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पूर्व बीजेपी नेता और राजनीतिक विचारक गोविंद आचार्य ने ललित मोदी विवाद में बीजेपी पर निशाना साधा है। आज तक के खास कार्यक्रम सीधी बात में गोविंद आचार्य ने कहा है कि नैतिकता के आधार पर सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी का आंतरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं लगता, ऐसा नहीं करने से पार्टी की साख गिर गई। उसके सोचने का आधार नैतिक है, कानूनी दांव पेंच में वो उलझना नहीं चाहता है। मोटे तौर पर उसको जितना लगता है उस आधार पर लगता है कि भाई इन्होंने फ़ायदा दिलाया होगा, संबंध बड़े अच्छे रहे, इनके भी लोगों को फ़ायदा मिला होगा। जैसे शेयर्स की बात आती है, दुष्यंत सिंह की बात आती है, तो सामान्य आदमी तो एक परसेप्शन बना लेता है कि ये लोग दोषी हैं। फिर भी वो सोचता है कि अगर ये लोग नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, जाँच हो, निर्दोष हो, फिर वापस आवें, तो पूरी पार्टी की, सरकार की साख इसमें से बढ़ेगी। लेकिन अगर वो कानूनी तौर पर बचाव की बात सोचते हैं तो ये मुद्दा चिपका रह जाएगा, जैसे बोफोर्स के बारे में भी हुआ था कि बहुत बचाव करने की कोशिश की थी कांग्रेस के लोगों ने। बात